एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए, तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, आप लोग कहते दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है, और उनका सही सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने
इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो, हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी, क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को।